अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। मेरी खैरियत से हूँ। हाँ जी, तो मैं आज अपने घर के बिल्कुल बैक साइड पर ना एक लोकल रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आई हूँ खाने पीने के लिए। कुछ तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले कुछ देखा भी नहीं मैंने, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ से ना ये लीवर लिया है, कलेजी। कलेजी के साथ ये बीफ लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें आलू भी डाला है, उन्होंने पता नहीं, देखने में तो मज़े का ही लग रहा है। और उसके साथ ये थोड़ी सैलड थी, ये पालक लग रही है, और ये कुछ लेटेस्ट टाइप है, और ये रेड सॉस है, थोड़ी स्पाइसी सॉस है। और मैंने चाय मंगवाई है, लेकिन चाय का रंग देखते हैं, चॉकलेट नहीं होती वो लग रहा है, चॉकलेट माइलो वाला दूध ही होता बच्चों का। दूध पत्ती मंगवाई थी, आया कुछ और है, पी के देखती हूँ कैसा है। उम्मीद नहीं है मुझे अच्छा होगा। खैर, अब मैं वेट कर रही हूँ पराठे का। पराठे का ऑर्डर दिया मैंने, एक पराठा जो है छोटे छोटे पराठे होते हैं, तो मैंने दो मंगवाए हैं अपने लिए, एक सिंपल प्लेन पराठा है, और एक जो पराठा है वो अंडे के साथ होगा। ये देखिए मेरे का सारा सेटअप पैन का। मेरे टेबल पे केले नहीं रखे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये देखिए ज़रा, क्यों नहीं रखे मेरे टेबल पर? गलत बात है यार बहुत। साइज़ किए, छोटे छोटे से पराठे हैं यार, मज़े का लग रहा है। और साथ मैंने मंगवाई है ये दाल, यहाँ की ना दाल बड़ी अच्छी होती है लोकल रेस्टोरेंट की, थोड़ी सी पतली है ये, और ये बड़ी मज़े की होती है। पर ये खाना देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना मैं खाती नहीं हूँ, थोड़ा सा ही है। चलें जी, खाते हैं खाना, शुरू करते हैं। बहुत अच्छी है। चलें जी, मैं इसको खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सारा फास्ट करते हैं इसको। ओके, खाना जो था वो मैंने खा लिया था, तो पेट भर गया मेरा। उसके बाद पीने के लिए वहाँ पे कुछ था ही नहीं इतना, वो चाय थी, बड़ी अजीब सी चाय थी, थोड़ी सी पी पे छोड़ दी मैंने। उसके अलावा अब मैं आई हूँ 7-Eleven पे, और मैंने यहाँ पे ले लिया है स्लश। इसमें दो फ्लेवर ऐड किए मैंने, ग्रीन और ये टूटी फ्रूटी है शायद, पता नहीं, दोनों के नाम मुझे नहीं पता। और ना इस बार पता क्या किया उन्होंने, जो 3 रिंगिट 10 सेंट का था वो उन्होंने सिर्फ 2 रुपीज़ का दिया मुझे। और ये बहुत बड़ा साइज़ है, मोबाइल पर वीडियो में छोटा लग रहा होगा आपको, और ये बहुत बड़ा कप है इसका। अच्छी बात ये थी कि उसने मुझे खुद ही बताया शॉपकीपर ने ना, कि ये मतलब हमने इसको डिस्काउंट दिया है, तो ये 2 रुपीज़ का है सर, तो आप ये ले लें। तो मैंने ले लिया। चलें पीते हैं, मज़े करते हैं। आज बाहर का जो मौसम है वो बड़ा गर्म है, कोई ख़ास हवा नहीं चल रही, बड़ी गर्मी है। अभी धूप ही निकली हुई थी थोड़ी देर पहले। पहाड़ी इलाका है ना ये, तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा गर्मी फील होती है। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, बहुत एक्सपेंसिव। छोटा सा सिटिंग एरिया दिया हुआ है इन्होंने ना ऐसे, तो मैंने कहा चलो पी के चलती हूँ। और क्या कहते हैं, 7-Eleven जो है वो बहुत महंगी शॉप है यहाँ की, ये मतलब बेकरी टाइप बनी हुई है ना, तो बड़ी महंगी है ये। जो आपको बाहर जो दूध मिलता है वो मिलता है 6 रुपये का या 7 रुपये का, और यहाँ पर वो 11 या 12 रुपये का है, तो इस हवाले से महंगा है ये ज़रा। बस अमीरों के शिशके हैं क्या कह सकते हैं।